खेल खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 26 जनवरी से जो कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से आज का जो दिन, हालांकि 26 जनवरी का तो दिन जो है वो यकीनी तौर पर तारीखी होगा, लेकिन आज का दिन भी अहमियत का हामिल है क्योंकि 14 बरस के बाद जनूबी अफ्रीका की जो टीम है उसने नेशनल स्टेडियम की जो ज़मीन है उस पर कदम रखा है। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान जो मेहमान टीम थी वो कराची में ही मौजूद थी और कराची जिमखाना के अंदर प्रैक्टिस सेशंस कर रही थी, लेकिन उसको यहाँ आने की इजाज़त दी थी। तो आज से जो शेड्यूल प्रैक्टिस थी वो उसमें आज मेहमान और मेज़बान दोनों ही टीमें यहाँ मौजूद हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये पीछे इस जानब जो है मेरे सीधे हाथ पे, अगर आप देखें तो जो प्रोटीज़ हैं जो टीम है वो उनके खिलाड़ी इस वक्त उन्होंने फिजिकल फिटनेस थी उनके प्रैक्टिस सेशन जो था फिजिकल फिटनेस का वो सेशन उनका ख़त्म हो गया, अब वो नेट सेशन पे आ गया। दूसरी जानब पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पर सेशन करते रहे, टारगेटेड यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग होती रही, लेकिन आज जो है ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर जो बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं उनको आजमाया जा रहा है। जो हमारे बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, उसके साथ साथ हेड कोच हैं, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं और खिलाड़ियों की निगरानी भी कर रहे हैं, उन्हें मशवरे भी दे रहे हैं। स्पिनर्स को खासकर जो है यहाँ पर ज़्यादा मौका फराहम किया जा रहा है क्योंकि नेशनल स्टेडियम की पिच है, ख़ासकर स्पिनर्स को काफ़ी उनके लिए सूदमंद साबित होती है। तो फास्ट बॉलर्स का भी किरदार होगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्पिनर्स का किरदार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम होगा। तो एक अच्छी बात है कि दो टीमें जो इन्होंने 26 जनवरी को यहाँ पर एक दूसरे के मध्य मुकाबले आना है, इस वक्त एक दूसरे के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस सेशन कुछ देर मज़ीद जारी रहेगा जिसके बाद दोनों टीमें जो है यहाँ से मुकामी होटल रवाना हो जाएंगी। आइंदा 2 रोज़ के दौरान भी दोनों टीमें यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो अपने सेशंस करेंगी और 26 जनवरी से यहाँ पर पहला जो मुकाबला है उसका इनेकाद होगा। 5 जो टेस्ट मैच है वो यहाँ नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस वक्त दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मैनेजमेंट के जो अफराद हैं मौजूद हैं, और ख़ासकर इसमें अहम बात ये कि जो टीम के कप्तान है क्विंटन डिकॉक, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहर कायद पहुँचे, उन्होंने कहा था कि कराची की जो पिच है वो उनका असल इम्तिहान होगा। तो यही देखा हमने कि जब यहाँ टीम उनकी पहुँची आज, तो उसके बाद फौरन उनके जो हेड कोच हैं और जो दिगर खिलाड़ी, उन्होंने पिच का मुआयना भी किया, पिच का जायज़ा लिया। यकीनी तौर पर वो थोड़े से इस हवाले से जो है उनके जहनों में सवाल तो होगा कि ये पिच किस तरह से बिहेव करती है और किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों या उनके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। तो इस वक्त दोनों टीमें यहाँ मौजूद हैं और दोनों ही टीमें अपने अपने प्रैक्टिस सेशंस कर रही हैं। आइंदा 2 रोज़ के दौरान भी ये सेशंस जारी रहेंगे, जबकि 26 जनवरी से यहीं से कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम से 14 साल के बाद दोनों टीमें जो है एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। दोनों टीमें यहाँ मौजूद हैं और जो जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं हम मुसलसल इस हवाले से आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं और अपडेट्स देते जा रहे हैं। तो खेल खिलाड़ी के प्लेटफॉर्म यकीन तौर पर आप देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।